सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और विचारधारा जो कि समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको नरेश जी। जिस तरह से आप प्रदेश अध्यक्ष द्वारा से बनाए गए हैं, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है, तो क्या कठिनाइयाँ और चुनौतियों का? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नेतृत्व में 23 तारीख को डेलीगेट्स का सम्मेलन हुआ, प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मेरे नाम का प्रस्ताव आया और मैं निर्विरोध उन प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना गया। तो मैं आभार अपने नेतृत्व का व्यक्त करता हूँ, अपने सभी प्रतिनिधि साथियों का व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जी, जिस तरह से हालिया आपने एक टीम भेजी है, BHU जो घटनाक्रम है उसमें आपने एक टीम डेलीगेट बना के भेजा है, तो उस पर क्या? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरीके से रात के अंधेरे में छात्राओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत गंभीर घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो छात्राएं उनकी जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, वो अपनी मांग को लेकर के अपने विश्वविद्यालय के जो कुलपति उनसे बात कर